हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के 6 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन पेपर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर 2020 में आया था। इसका पेपर कोड K-6001 है, न्यू कोर्स है ये। इसका कैट नंबर है 14248 CV। 2 घंटे का ये पेपर है। क्वेश्चन पेपर आपको 2 आवर्स मिलेंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये कोरोना पीरियड का है तो यहाँ पे 2 आवर्स मिल रहे हैं। जनरली ये 3 आवर्स का होता था। मैक्सिमम मार्क्स सेम है 100, लेकिन 2 आवर्स का कर दिया गया है इसमें। अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों के निर्दानुसार प्रश्न हल कीजिए। सेक्शन ए, खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहां पर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने पर 5 मार्क्स मिलेंगे। आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल टू स्टेचुरी कंस्ट्रक्शन इन वेलफेयर लेजिस्लेशंस। कल्याणकारी विधान के अर्थान्वय के वैधानिक सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, ग्रहण के सिद्धांत का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लीकेशन, विवक्षित तौर पर के सिद्धांत का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट आर द एलिमेंट्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत के लागू करने के आवश्यक आधार बताइए। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट मैक्सिम इज यूज टू एक्सप्रेस द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्ट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टेट्यूट्स राइट इट्स नेम। कानून के भूतलचरी लागू करने के सिद्धांत पर कौन सा सूत्र लागू होता है, उसके नाम बताइए। जैसा कि बताया गया था, 5 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसके अंदर। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। आपको कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यानी 20, और एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, खंड सेकंड खंड है ये। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मैक्सिम एक्सप्रेसो यूनिसस ईस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस। व्याख्या सूत्र एक वस्तु का स्पष्ट दूसरे का अपवर्जन है, पर उदाहरणात्मक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिव एंड डिसजंक्टिव इंटैचमेंट, एक्सप्लेन। संयोजक तथा वियोजक अधिनियमों से आप क्या समझते हैं, समझाइए। क्वेश्चन नंबर एट, एक्सप्लेन द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को समझाइए। 3 क्वेश्चन हैं 6, 7, 8। इसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में, जहां पे आपको अपना आंसर लॉन्ग आंसर में लिखना है। आंसर एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग। 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं 5 क्वेश्चन के अंदर से। एच क्वेश्चन कैरीज 30 मार्क्स। पहले ये खंड सेक्शन सी 20 मार्क्स का होता था। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर 20 मार्क्स मिलते थे। क्योंकि ये कोरोना काल का है तो यहाँ पे 30 मार्क्स मिल रहे हैं। तो आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल, 30 × 2 = 60। पहला सेक्शन बी था, उसमें आपको 40 मिले थे, उसमें आपको 20 मिले थे, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व करना था 3 क्वेश्चन में से। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 30 अंकों का है, विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द इलस्ट्रेट द रूल्स विच द कोर्ट्स अप्लाई इन इंटरप्रेटिंग द पैनल स्टेट्यूट्स। दंडात्मक कानून की व्याख्या के लिए न्यायालय जिन नियमों का पालन करते हैं, उनका वर्णन दृष्टांत सहित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्ट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टेट्यूट्स। हाउ फार हैज टू डॉक्ट्राइन बीन अप्लाइड इन इंडिया। विद द हेल्प ऑफ केसेस इलिसिट द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। संयम के भूतलक्षी संकृता सिद्धांत का विवेचना कीजिए। भारत में इस सिद्धांत कहाँ लागू हुआ है, इसके परिप्रेक्ष्य में मामलों की मदद से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मंतव्य प्रकट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11,
एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्यूज बेस्ड ऑन डिफरेंट ग्राउंड, विभिन्न आधारों पर संविधियों के वर्गीकरण को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टेट्यूज, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ लीडिंग केसेस। कर कानूनों के कठोर अर्थान्वय से आप क्या समझते हैं, मार्गदर्शक निर्णयों की सहायता से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूज इन पैरी मैटेरिया विद द हेल्प ऑफ लीडिंग केसेस। साम में विषय वस्तु कानून के निर्वचन के नियम का वर्णन प्रमुख वादों में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर कीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है।